अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नई जॉब के साथ हाजिर हो। दोस्तों एफसी में नई जॉब्स आ गई है, जूनियर क्लर्क की जॉब्स आ गई है, सीनियर क्लर्क की जॉब्स आ गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। जो तालीम चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, अप्लाई किस तरह करना है, मुकम्मल अपडेट्स जानने के लिए आप लोग हमारे साथ गूगल पे आएगा। दोस्तों गूगल पे आके आप लोगों ने टाइप करना है जॉब्स PKXYZ, यहाँ पे जो पहले वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है उसको ओपन कीजिएगा। यहाँ से आप लोग को मुकम्मल अपडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारे साथ ओपन हो गया है। यहाँ से थोड़ा से नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहे हैं फ्रंटियर क्रॉप एफसी एलडीसी यूडीसी 2023 एडवर्टाइजमेंट। एलडीसी का मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क है, यूडीसी का मतलब अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप लोग एलडीसी का आ रहा है, यहाँ पे यूडीसी का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ से आप लोग को मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारे मालूम आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारे साथ ओपन हो गया, यहाँ से आप लोग थोड़ा से नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोगों को यहाँ नज़र आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। भर्ती भराई जूनियर क्लर्क, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर डिवीजन क्लर्क, जो है अपर डिवीजन क्लर्क, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ 72 बैच साल 2023, ठीक है। आप लोग जो इसका सारी मालूम यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। जो सिंध का सूबा है या कि जो सिंध का अजला है, या सारे लोग जो है हैदराबाद सिंध जाके रेंजर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो 8 तारीख से लेकर 10 फरवरी 2023 8 बजे से, ठीक है। और जो सूबा सिंध के अजला है इनके सारे जो उम्मीदवार है वो जो हेडक्वार्टर है शहबाज रेंजर सक्कर वहाँ पे जाके आप लोग अपना दस्तावेजात डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो 13 से लेकर 15 फरवरी 2023 8 बजे में, ठीक है। आर्मी सिलेक्शन सेंटर रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान, जहाँ पे आप लोग को जो अजला नज़र आ रहे हैं बहावलपुर, बहावलनगर, डेर इसमें खान, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये जो है आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान पे जाके 18 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक अपने जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। इसके अलावा फैसलाबाद गुजरात, गुजरानवाला, हाफिजाबाद, कसूर, कारिया, ये जो है 23 तक 25 फरवरी 2023 तक अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। सेंटर मंडी बहाउद्दीन, ठीक है। जो क्रिटिकल चक्कर रावलपिंडी है, जिसका जो अटक, चकवाल, जेलम वगैरह, ये लोग जहाँ रावलपिंडी में जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एफएफ सेंटर एबटाबाद जो है वो एबटाबाद, हरिपुर, कुलाई, ये जो लूर, कोहिस्तान, मानसर वगैरह, ये जो लोग हैं 5 से लेकर 7 मार्च 2023 तक अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं एफएफ सेंटर एबटाबाद में, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी वर्सक, चूँकि बीके के 400 खैबर मर्दान वगैरह, ये ट्रेनिंग सेंटर और एकेडमी वर्सक पे जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर कोहाट जो है बर्थ, ये बनू, डेर इसमें खान, हंगू, करक, कोहाट वगैरह, ये जो लोग हैं सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर कोहाट में अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क के जो भर्ती भराई में मेयार भराई भर्ती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ से आप लोग दे सकते हो। तालीम इसके लिए जो इंटरमीडिएट बामा कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड 35 मिनट अल्फाज पी मिनट होनी चाहिए जूनियर क्लर्क के लिए, और जूनियर क्लर्क के लिए कद 5 फुट 6 इंच होने चाहिए, उम्र 20 से 28 साल होने चाहिए, छाती जो है 30 से लेकर 32 इंच होने चाहिए। इसके अलावा जो सीनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे तालीम इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है, कद जो है 5 फुट 6 इंच चाहिए, उम्र जो है 20 से 28 साल चाहिए, छाती जो है 32 इंच से लेकर 32 इंच छाती होने चाहिए। इसके लिए जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड अल्फाज जो है 40 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग को सहूलियात कौन कौन से मिलेंगे, आप लोग को पुरकशिश तनख्वाह मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुरकशिश तनख्वाह आप लोगों को मिलेगा, मुफ्त रहाइश, खाना पीना मिलेगा, दौरान सर्विस आपकी भी, और बच्चों का मुफ्त इलाज मिलेगा, ठीक है। बच्चों को मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम के सहूलियात मिलेंगे, अंदरून मुल्क बजरे रेलवे और PIA सफ़र करने की सूरत में निसब किराया की सहूलत, ठीक है। साल में 2 माह की छुट्टी बमा तनख्वाह और बर वक्त ज़रूरत अल्फा जो इतफाक़ या छुट्टी है वो भी आप लोगों को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को पेंशन ग्रेविटी की सहूलत भी मिलेंगे। आप लोग अपने या डोमिसाइल वगैरह ये चीज़ आप लोग यहाँ पढ़े, आप लोग को यहाँ से बहुत सारी मालूम मिल जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।